अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि पेपर का इस्तेमाल करके हम किस तरह से ताज बना सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो कलर पेपर भी ले सकते हैं या फिर कोई सफेद कागज भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कुछ कलर्स, स्टेपलर, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल और एक कैंची। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कागज की एक सफेद पट्टी लेंगे जो कि हमारी सर के लंबाई के हिसाब से होगी। मैं यहाँ पर सफेद पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सफेद पट्टी पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन बनाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बना रही हूँ ताकि ये एक, क्योंकि हम यहाँ पर ताज बना रहे हैं तो हम इसको ताज की तरह शक्ल देंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी तरह का यहाँ पर डिजाइन बना सकते हैं। ये मैंने एक बहुत ही आसान सा डिजाइन बनाया है, आप चाहो तो इसको और तफसील से बना सकते हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा बेसिक सा डिजाइन बनके तैयार है। तो हम इसमें कलर करते हैं। तो देखा बच्चों, इस तरह हमने अपने ताज में अपनी मर्जी के मुताबिक रंग भर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बीच में से काट लेंगे और देखिए इसके बाद क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी धारदार चीज का इस्तेमाल करें तो अपनी बड़ों की निगरानी में ही करें, वरना आपको चोट लग सकती है। तो ये देखिए, हमने हमारी जो भी कागज की पट्टी थी उसको काट लिया और यहाँ पर हमें इसके दो हिस्से मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से बंद करेंगे और यहाँ पर स्टेपलर की मदद से इसको चिपका देंगे या फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्टेपलर मार दिया, इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी चिपका देंगे। मैंने इसको स्टेपलर की मदद से यहाँ पर स्टक कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर ग्लू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारे दो खूबसूरत से ताज बनकर तैयार हैं। तो देखा आपने कितना आसान था, एक कागज की पट्टी में हमने दो ताज बना लिए हैं। आप चाहो तो कलर का भी इस्तेमाल करके बना सकते हो।